हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो कल हमने जो है केमिकल फार्मूला और इम्पेरिकल फार्मूला की थ्योरी पढ़ ली थी। आज जो है हम केमिकल फार्मूला और इम्पेरिकल फार्मूला में कुछ सवाल करने जाएंगे। तो मेरे बारे में आप सब जानते होंगे कि मेरा नाम सूरज है। तो आइए हम केमिकल फार्मूला और इम्पेरिकल फार्मूला पर बेस्ड कुछ अच्छे सवाल PYQ कर लेते हैं, जो कि नीट या AIPMT में आए हुए हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्या कहते हैं न्यूमेरिकल भी कराए थे, तो आज उससे आगे बात करेंगे। तो आपने देखा होगा कि कुछ टेबल वाले सवाल आते हैं इसमें, ठीक है। कुछ टेबल वाले सवाल आते हैं जो कि हमें सॉल्व करने होते हैं, केमिकल फार्मूला निकालना होता है उनका। तो देखो, एक तो तरीका है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो और उसके बाद सवाल को सॉल्व करो। तो सिलेक्शन तो दोनों का होना है, चाहे वो जल्दी निकाल ले या देर से। तो बात कर लेते हैं कि इनको शॉर्ट कैसे करें। तो इसके लिए एक मेथड अपनाएंगे जिसको आप क्या कहते हैं सूर्यास्त्र भी कह सकते हैं। ये सूर्यास्त्र जो है कहीं से कोई बनाया गया नहीं है, ये मैंने जो है ऋतिक सर के उससे देखा था लेक्चर से। तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, खाली ऋतिक सर से देखा था, ठीक है। तो बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है, जिसकी परसेंटेज नहीं दी गई होगी उसको निकालने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब है, जैसे आपको कुछ टेबल वाले क्वेश्चन दिए होंगे। पहला क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ। ए कंपाउंड कंटेन 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन, फाइंड द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। आपको एक कंपाउंड दिया गया है जिसमें 40% कार्बन का है, 6.6% हाइड्रोजन का है और रेस्ट क्या है ऑक्सीजन है। फाइंड द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, आपको एम्पेरिकल फार्मूला बताना है, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, आपको सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, जो कि यहाँ पे दे रखा है CH2O कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, कार्बन 2, H1, ऑक्सीजन 1। तो ये इस तरह का कुछ सवाल आएगा। देखो, आपको इसमें 2 की परसेंटेज दे रखी है, 40% कार्बन और 6.67% हाइड्रोजन। क्या आपको ऑक्सीजन की परसेंटेज दे रखी है? नहीं। तो आपसे पूछ रहा फाइंड द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, यानी आप ऑक्सीजन की परसेंटेज नहीं दी है तो रेस्ट क्या होगी ऑक्सीजन पर, क्या हमें निकालने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमने एक ट्रिक मेथड बनाया है। देखिए, आपको बोल रहा है कि जिसकी परसेंटेज आपको नहीं दी गई होगी उससे निकालने की कोई जरूरत नहीं है, यानी ऑक्सीजन यहाँ जाए तेल लेने। आपको क्या करना है, दो एलिमेंट को कंपेयर कराना है। मान लो आपको जो एलिमेंट दे रखा है एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2, उसकी कुछ आपको एटॉमिक मास दिया होगा या एटॉमिक मास आपको पता होगा कि मान लो एलिमेंट 1 का एटॉमिक मास A1 है और एलिमेंट 2 का एटॉमिक मास A2 है। एटॉमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन, ठीक है। तो इसकी एटॉमिसिटी यानी नंबर ऑफ एटम कितने दे रखे हैं एलिमेंट 1 के, वो है N1, और N2 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एलिमेंट 2। उसकी कुछ परसेंटेज दे रखी होगी, मान लिया हमने कि जो एलिमेंट 1 है उसकी परसेंटेज P1 है और एलिमेंट 2 की परसेंटेज P2 है। तो आपको ट्रिक क्या करनी है, ट्रिक ये फॉलो करनी है कि आपको कोई दो परसेंटेज गिवन होगी तो उससे फॉर्मूला बनाएंगे आप P1/P2। P1 क्या है यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ 1, और P2 क्या है, परसेंटेज ऑफ 2। A1 क्या है यहाँ पे, एटॉमिक मास ऑफ 1। N1 क्या है, एटॉमिसिटी ऑफ 1। A2 क्या है, एटॉमिक मास ऑफ 2। N2 क्या है, एटॉमिसिटी ऑफ 2। देखो, अब आपने इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर एक चीज और ध्यान रख लेना, मैंने कल आपको ये बताया था कि N क्या होता है, N एक रेशियो होता है जो कि मॉलिकुलर मास और इम्पेरिकल मास का रेशियो होता है। अगर आपको मॉलिकुलर फार्मूला निकालना हो तो इम्पेरिकल फार्मूला N2N कर सकते हैं, या आप पहले लेक्चर से रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करना है, उसके बारे में देखते हैं। तो कंपाउंड आपको कंटेन कह रहा 40% कार्बन, यानी आपको P1, अगर आप एलिमेंट 1 किसको मानते हैं, एलिमेंट 1 मानते हैं आप कार्बन को, और एलिमेंट 2 मानते हैं आप किसको, एलिमेंट 2 मानते हैं आप हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे जो एलिमेंट 1 का एटॉमिक मास A1 कितना होगा, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, और A2 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, 1। अब आपसे P1 पूछे तो परसेंटेज आपको दे रखी है 40%, और क्या कहते हैं आपको P2 दे रखी है 6.67%। ये भी याद रखना कि ये फॉर्मूला जो है ना, आपको ऐसा नहीं कि इंटीजर वैल्यू में काटना है, राउंड ऑफ करना है, पता चल रहा कि कट नहीं रहा तो आप जो है पॉइंट में निकाले जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको क्या करना है और याद रखना, ये फॉर्मूला जो आपको सॉल्व करना है इसमें आपको N1 और N2 की वैल्यू निकालनी है, यानी N1 और N2 का क्या रेशियो है उस तरह से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो आइए लगाते हैं। तो फॉर्मूला है हमारा क्या, P1/P2 इक्वल टू A1N1/A2N2। अब यहाँ पे P1 हमने किसको मान रखा है, कार्बन को, तो P carbon/P hydrogen जो कि होगा एटॉमिक मास ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, जो कि एटॉमिसिटी होगी, और दूसरा क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन और क्या कहते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें वैल्यू पुट करो, P1 आपको दे रखा है 40% और P2 आपको दे रखा है 6.67%, ठीक है। A1 आपको पता है कार्बन का एटॉमिक मास 12, N1 आपको मतलब निकालना है यहाँ पे, क्योंकि N1 और N2 के लिए ही तो निकालना है ताकि आपको जो है रेशियो मिल सके,
ठीक है, तो आप क्या करोगे 12 अपॉन हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू एन, यहाँ पे 1 की जगह आप कार्बन लिख सकते हो और यहाँ पे हाइड्रोजन लिख सकते हो। देखो 6×36 होता है पर ये 6.67 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 6 बार कट गया क्योंकि 6×36 ठीक है, और ये 6 से 2 कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा ये 1 = 2NC/1NH। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पे NC/NH की वैल्यू कितनी आ रही है आपको, ये आ रही है आपको 1/2, यानी कार्बन इसमें एक होगा हाइड्रोजन इसमें दो होंगे। तो क्या कोई ऑप्शन ऐसा है, देखो इसमें कार्बन दो बोल रखा है हाइड्रोजन एक, ये तो गलत हो गया। इसमें देखो कार्बन 3 हाइड्रोजन 1, ये भी गलत हो गया। अगर इसमें कार्बन 1 H1, ये भी गलत है, तो एक ही ऑप्शन बचा CH2O। तो आप इस तरह से जो है सवाल को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, आपको टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लास्ट में टेबल मेथड भी सिखा दूंगा, पर ये मेथड आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो चलो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए अगला सवाल भी कुछ इसी तरीके से करते हैं। कह रहा कंपाउंड कंटेनिंग 38.71% कार्बन। तो यहाँ पे आपको दो एलिमेंट दे रखा है, आपको एलिमेंट वन मान लिया आपने किसको, एलिमेंट वन मान लिया कार्बन को, और एलिमेंट टू मान लिया आपने किसको, एलिमेंट टू मान लिया आपने हाइड्रोजन को। ठीक है, इसकी P1 आपको दे रखी है कितनी 38.71%। मैं यहाँ पे एक एक चीज़ लिख रहा हूँ ताकि आपको आ जाए, आप वहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे फॉर्मूला लगा के। P2 बराबर 9.67% दे रखा है। यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि N1 यानी N कार्बन अपॉन N हाइड्रोजन का रेशियो आपको क्या करना है, निकालना है। बहुत बढ़िया, तो वैल्यू पुट करिए इसमें, और इसको आपको पता है कि A1 कार्बन का होगा 12 और A2 कितना होगा हाइड्रोजन का 1। तो फॉर्मूले में रखिए P कार्बन अपॉन P हाइड्रोजन इज इक्वल टू A कार्बन इंटू N कार्बन और ए हाइड्रोजन अपॉन एन हाइड्रोजन। ठीक है, इधर पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो कार्बन की परसेंटेज आपको 38.71, 9.67% और ए कार्बन होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, NH आपको निकालना है, और क्या कहते हैं ऊपर आपको क्या दे रखा है, N कार्बन दे रखा है। तो आप ये देखो 9×36, 9×18, 9×36, तो ये लगभग 4 बार कट जाएगा और 4×3 = 12 हो जाएगा, यानी यहाँ से आप देखोगे तो NC/NH कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 1/3, यानी कार्बन 1 होगा हाइड्रोजन 3 होगा। क्या इस तरह का ऑप्शन है, देखो कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 गलत, कार्बन 1 हाइड्रोजन 1 गलत, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 गलत, तो सिर्फ सी ऑप्शन है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये ट्रिक थी आपकी, और आगे भी कुछ क्वेश्चन करते हैं PYQ, तब तक आप इसको नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं उसी मेथड पे। एम्स 2004 का क्वेश्चन है। तो एम्स 2004 के क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, एन एलिमेंट एम मेक्स टू ऑक्साइड। जो एलिमेंट एम है वो क्या कर रहा है, दो ऑक्साइड बना रहा है। विच एम इज 50%, उसमें जो है एम जो है ना वो कितना है 50% है एंड 40% रेस्पेक्टिवली ऑक्सीजन है, जिसमें एम 50% और ऑक्सीजन, ये नहीं लिखा मैंने, ऑक्सीजन जो है 40% है रेस्पेक्टिवली। इफ द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड इज MO2, अगर जो पहला ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला MO2 है, तो सेकेंड फॉर्मूला जो ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो इस तरह के सवाल को करने के लिए आपको कंपैरिजन करना होगा। पहले आपको एक ऑक्साइड 1 दे रखा है और ऑक्साइड 2 दे रखा है। ऑक्साइड 1 में जो मेटल है वो 50% है, ऑक्सीजन भी कितना है 50%। वहीं बात करें हम जो उसका मतलब क्या कहते हैं फॉर्मूला है, वो फर्स्ट ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, MO2 है। ठीक है, और कह रहा है ऑक्साइड 2 में जो ऑक्साइड 2 है उसमें मेटल 40 है, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चला कि ऑक्साइड का हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला। तो ऑक्साइड के फॉर्मूला निकालने के लिए हमें मेटल और ऑक्सीजन के एटम का रेशियो चाहिए होगा, यानी M/O का रेशियो चाहिए होगा, और एटॉमिक मास M का पता चल जाए तो हमें क्या पता चल जाएगा, क्या कहते हैं उसका फॉर्मूला निकल जाएगा। तो आपको ऑक्साइड 1 और ऑक्साइड 2 इस तरह लिख लेना है। पहले आप ऑक्साइड 2 पे चलो, ऑक्साइड 2 की परसेंटेज P1/P2 यानी P मेटल अपॉन PO करेंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे A metal into NM into AO into NO। अब यहाँ पे आपको देखो PM की वैल्यू कितनी दी है, मेटल की 40 दी है, इसकी 60 दी है। AM की वैल्यू आपको निकालनी है, एटॉमिक मास पता चल जाए। NM आपको पता नहीं है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 16, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, और NO भी आपको पता नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये आपका कट जाएगा 2/3 बार में। ठीक, अब यहाँ से आप एटॉमिक मास ऑफ एटम अगर आपको मिल जाए मेटल का, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट करके फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ऑक्साइड नंबर 1 में चलो, तो यहाँ पे लगाओ PM/PO = AM NM AO NO। तो आपको मेटल और क्या कहते हैं ऑक्सीजन की परसेंटेज 50-50 दे रखी है, AM
इसके नंबर ऑफ एटम कितने दे रखे हैं, 1, क्योंकि आपको दे रखा है ना फॉर्मूला MO2, यानी मेटल का जो नंबर है वो 1 है एटॉमिसिटी, और इसका जो एटॉमिक मास होगा वो 16 होगा, और इसकी एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की कितनी है, 2 दे रखी है आपको। तो ये करोगे तो 50 एकम 50, तो यहाँ से AM की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 32 आ जाएगी। अब ये एटॉमिक मास ऑफ मेटल आ गया जिसको यहाँ पे पुट करना है ऑक्साइड 2 पे, तो ये 2/3 एटॉमिक मास कितना निकला आपका, 32 NM, और क्या कहते हैं 16 into NO, 16 × 32, 2 × 1 = 2, तो यहाँ से NM और NO का रेशियो कितना आ गया, मतलब उसका आ गया 1/3। तो देखो कोई ऐसा फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये देख रहा है MO3, 1 और 3 का रेशियो। तो इस तरह से आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, एम्स 2004 में आ रखा है। कुछ सवाल आपके टेबल से सॉल्व नहीं हो ना, मतलब टेबल से सॉल्व होंगे, और कुछ ऐसे मतलब बेसिकली आपको मोस्ट सवाल आपके क्या कहते हैं इस मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। तो एक सवाल हम थोड़ा टेबल वाला कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन कह रहा है, ए कंपाउंड हैज 32% ए, 20% ऑफ बी, रिमेनिंग परसेंट सी। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इस एटॉमिक मास ए दे रखा है, बी और सी का रेस्पेक्टिवली आर 64, 40, 32। तो आपको 3 एलिमेंट दे रखे हैं ए बी सी, जिनकी मास परसेंट, यानी यही क्या होगा, मास होगा, मास परसेंट। जैसे आपको अगर कोई 100% है तो उसमें 32% है, यानी कि उसका मास कितना होगा, 32, एक का मास 20 और एक का मास 40 होगा, सॉरी मैंने यहाँ 20 लिखा है, क्या लिखा है, अच्छा 20 क्वेश्चन में, हाँ 20, और ये 48, ठीक हो गया। तो आप इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 100 आ जाएगा। उनका एटॉमिक मास दे रखे हैं, आपको टेबल बनानी है ए बी सी ऐसे करके, और मास परसेंट लिख लेना है, एटॉमिक मास लिख लेना है। फिर यहाँ से मोल भी निकाल सकते हैं आप, मोल क्या होता है, मास बाई एटॉमिक मास। तो आप इस तरह के सवाल को किस तरह सोल्व करेंगे, इधर पे मोल निकालेंगे एन की वैल्यू, तो 32/64 यानी 1/2 आ जाएगा, और फिर क्या कहते हैं 20/40 मतलब 1/2, 48/32, 48/32 मोल के लिए क्या होगा, ये होगा 16/32 16 × 48, 16 × 32, 3/2। तो अब सिंपलेस्ट रेशियो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन चीज से डिवाइड करनी होगी। तो ये देखो आपका ए कितना आ गया 1/2, बी आ गया 1/2, और सी आ गया कितना 3/2। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए 2/2 पूरे में, बी 2/2, सी 3 × 2/2। तो ये आपका हो जाएगा कट के, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपका फॉर्मूला आएगा AB3। तो ऐसा कोई ABC3 ऐसा कोई ऑप्शन है, ABC3 तो ये ऑप्शन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। प्रॉमिस था आपको सारे प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा। अगला क्वेश्चन है, 1.42 ग्राम ऑक्साइड फॉस्फोरस कंटेन 0.62 ग्राम फॉस्फोरस, इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। एक ऑक्साइड है मतलब क्या कहते हैं फॉस्फोरस का, वो कुछ भी हो सकता है, P2O3 हो सकता है, PO4 हो सकता है, P2O5 हो सकता है, या PO3 हो सकता है, ये हमें नहीं पता है, ठीक है। एक ऑक्साइड है यानी इसमें फॉस्फोरस और ऑक्सीजन मिले होंगे, ठीक है, ऑक्साइड है तो फॉस्फोरस भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा, जिसमें आपको कह रहा है फॉस्फोरस कंटेन 0.62, यानी कि जो वेट ऑफ ऑक्साइड होगा, वेट ऑफ ऑक्साइड किससे मिलकर बना होगा सर, वेट ऑफ ऑक्साइड मिला होगा वेट ऑफ फॉस्फोरस से, ठीक हो गया, और साथ में उसमें क्या होगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन भी होगा, ये भी पता है, यानी ऑक्सीजन का वेट होगा, ठीक है। तो अब टोटल वेट आपको 1.42 दे रखा है, और उसमें से कह रहा है 0.62 ग्राम आपको किसका दे रखा है, फॉस्फोरस का। तो यहां से आप वेट ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन आपका कितना आ जाएगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन आपका आ जाएगा हमारा ना वेट ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड या ऑक्साइड लिखेंगे, ठीक है, यहां से ऑक्सीजन लिखना होगा, सॉरी, वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 0.80। तो अब देखो वही टेबल वाला मेथड करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए, आपको मास दे रखा है फॉस्फोरस का और ऑक्सीजन का मास आप निकाल चुके हैं, तो फॉर्मूले में पुट कर दो, तो फॉस्फोरस इसका रेशियो निकाल लो। देखो आपको पता है कि फॉस्फोरस का वेट कितना होता है, फॉस्फोरस का जो एटॉमिक वेट होता है, टेबल बना के आप लिख सकते हो एटॉमिक वेट ऑफ फॉस्फोरस कितना होता है, 31, और एटॉमिक वेट ऑफ किसका, ऑक्सीजन का, ऑक्साइड का कितना होता है, मिनिमम हम एक ऑक्सीजन तो मानेंगे, तो 16। तो फॉस्फोरस का मास आपको 0.62 डिवाइडेड बाई कितना कर दोगे आप, 31, और यहां से आप क्या करोगे, क्या कहते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन जब आप इसको करोगे तो 0.80/16, जब इसको सॉल्व करोगे तो यानी 0.62 से जब ये करोगे तो ये आ जाएगा 100, 31 × 2 कितना होता है 62, और 16 × 5 कितना होता है 80, ये भी आप 100 कर सकते हो इसको, तो 16 × 5 = 80। अब ये 100 से ये कट गया तो जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है P2O5 का, तो यहां से आपका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा P2O5, इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ये क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको थोड़ी बड़ी लग रही है, जितना बड़ा सवाल उतना ही छोटा आंसर, यानी वो देखा नहीं आपने बड़ी दुकान फीके पकवान। क्वेश्चन है ए ड्रग मेजुराइना, एक मेजुराइना नाम मैरिजुआना, अरे मेरी इंग्लिश थोड़ी सी जर्मनी की पढ़ा हुआ हूँ मैंने आपको बताया था, ए ड्रग मैरिजुआना ओज इट्स एक्टिविटी टू टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनॉल, एक ड्रग है मैरिजुआना जिसमें टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल कितना है कंटेन कर रहा है 70% एज मेनी एज कार्बन एटम एज हाइड्रोजन, ठीक है, यानी 70% कार्बन एटम, मतलब कार्बन एटम जो है ना वो हाइड्रोजन के 70% है, ठीक है, और 15 टाइम एज मेनी हाइड्रोजन एटम एज ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैनाबिनॉल इन अ ग्राम 0.0318 द मॉलिकुलर फॉर्मूला इज। आपको ये सवाल देख के डर लग रहा होगा कि यार क्या दे रखा है कि मैरिजुआना नाम की दवाई है जिसकी एक्टिविटी टेट्राहाइड्रा कैनाबिनॉल में जो है कंटेन 70% एज मेनी एज कार्बन एटम एज हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे वो 70% ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे वो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंटू 15 टाइम्स होंगे। तो आपको यहां तक लिखने के बाद ही आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, यानी आपको ये पता चल रहा है कि जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो 15 गुना ज्यादा होंगे किसके, ऑक्सीजन के। तो ऐसा किस में मिल रहा है आपको, देखो यहां पे देखो ऑक्सीजन एक है हाइड्रोजन 11 है, नहीं 15 गुना नहीं है यानी 11 गुना है, यहां पे देखो ये 7 है और 7 चौक 28 7 5 35 लगभग 5 गुना है तो ये भी गलत हो गया, और यहां पे दो और क्या कहते हैं 31, तो ये देखो ये 15 गुना आ सकता है पर ये है नहीं, करेक्ट 2 से 15 टाइम यही है, तो ये बी ऑप्शन। देखो एम्स 2000 ना एम्स 1999 और आईआईटी 98 का कितना सरल क्वेश्चन था, इस तरह से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन फॉर्मूले बेस पे एक क्वेश्चन है, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH2, यानी एक का इंपेरिकल फॉर्मूला आपको कितना दे रखा है, इंपेरिकल फॉर्मूला आपको दे रखा है CH2, ठीक है, जिसमें कह रहा है 0.125 मोल कंपाउंड कंटेनिंग 1 मोल हाइड्रोजन, यानी कि आपको 0.1 मोल कंपाउंड, यानी एक कोई कंपाउंड है जिसके 0.125 मोल में कितना है 1 मोल हाइड्रोजन है, तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, देखो जब भी आप फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड निकालेंगे तो वो 1 मोल के लिए डिफाइंड होता है, तो आप इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो आप सॉल्यूशन में ये लिख सकते हो कि 0.125 मोल कंपाउंड, ठीक है, 0.125 मोल कंपाउंड कंटेन कितना हाइड्रोजन 1 मोल एच, तो 1 मोल कितना कंटेन करेगा कंपाउंड में, तो ये कर लो 0.125 डिवाइडेड बाय 1, ये मल्टीप्लाई मतलब दशमलव हटाओगे तो 1000 आएगा, 125 एकम एक सॉरी कुछ तो गड़बड़ हो रही है मेरी, 1 बाई 0.25 होगा, सॉरी 1 मोल में आपको निकालना है ना, तो 1 बाई 0.125 होगा, तो आप इसमें दशमलव हटाओगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 1000, और जब इसको डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार कटेगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 125 के टेबल में देखो कितना आता है, 125 अट्ठे 8 पंच 40 8 दूनी 16 और 4 20 8 एकम 8 और 8 दो 10, तो ये लगभग 8 बार कटता है, तो ये कट गया 8 बार, तो 1 मोल कंपाउंड कंटेन कितना, कंपाउंड कंटेन कितना 8 मोल हाइड्रोजन, तो चेक कर लो किसमें हाइड्रोजन 8 मोल है, तो देखो यहाँ पे 4 मोल गलत हो गया, 6 मोल गलत हो गया, 5 मोल गलत हो गया, तो डायरेक्ट आंसर आपका C4 हो जाएगा, C4H8, तो आंसर आपका C हो जाएगा। तो इस तरह हमने जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला पे सारे सवाल कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो यूट्यूब पे वीडियो पे कॉमेंट करना। थैंक यू एवरीवन लेक्चर देखने के लिए, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के संग।